IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है व। तो आइए सुनते हैं ये कहानी व से वीरता। नमस्ते बच्चों। नमस्ते भैया। आओ 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 बैठो 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 शाबाश बैठ जाओ। हाँ हाँ तुम भी बैठ जाओ। हाँ अरे वाह आज तो बहुत सारे बच्चे आए हैं। आज हम अपने नए दोस्त को भी साथ लाए हैं। अरे वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब। हाँ भैया ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये हमारे साथ स्कूल भी जाते हैं। अरे वाह क्या बात है। हम साथ साथ स्कूल में भी पढ़ते हैं। अरे वाह बहुत ही प्यारे हो तुम। तो ठीक है आज मैं तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी तरह साथ साथ स्कूल जाते हैं और हाँ एक ही कक्षा में पढ़ते भी हैं। भैया कहानी का नाम तो बताओ। अरे हाँ हाँ भाई मेरी आज की कहानी का अक्षर है व और कहानी है व से वीरता। व से वीरता। शाबाश। भैया 26 जनवरी को बहादुर बच्चे परेड में निकलते हाँ, हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने और सब तालियां बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? हाँ क्योंकि भाई उन्होंने बहादुरी का काम जो किया होता है ना बड़े बड़े कारनामे किए होते हैं इन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने। तो भाई आज हम तुम्हारे जैसे विद्यालय में पढ़ने वाले वीर बच्चों की व से वीर यानी बहादुर बच्चों की कहानी सुनेंगे। तो भाई अब व से चारों बच्चों के नाम बताओ। सोचो। भैया विकास मेरे भाई का नाम विकास है। हाँ एक बच्चे का नाम तो हो गया विकास व से विकास और अगला बच्चा भैया विजय व से विजय। हाँ बिल्कुल सही कहा नमन ने व से विजय। तो एक हो गया विकास और दूसरा हो गया विजय। अब अगला बताओ सोचो। ये व से विभोर। विभोर वाह 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 बड़ा प्यारा नाम है। बजाओ इसी बात पर जोरदार ताली लविश के लिए। व से विभोर एक हो गया व से विजय दूसरा हो गया व से विकास और तीसरा हो गया व से विभोर। अब एक लड़की का नाम बताओ। एक लड़की भी थी भाई सोचो कौन हो सकती है व से। वीना। भैया मेरी दीदी का नाम वीना है। वीना क्या बात है। तो ठीक है चौथा बच्चा हो गया वीना व से वीना। ठीक है तो चारों बच्चों के नाम क्या क्या हुए व से विकास व से विजय व से विभोर और व से वीना। बजाओ सी बात पर ताली शाबाश। भैया थोड़ी कहानी तो सुनाओ ना। थोड़ी नहीं मेरे शेर पूरी सुनाऊंगा। तो सुनो बच्चों एक बार की बात है वीना विजय विकास और विभोर अपने विद्यालय जा रहे थे। हाँ। मैं और नमन साथ साथ जाते हैं। मैं भी जाता हूँ। ठीक है बिल्कुल ठीक। तो भाई इसी तरह ये बच्चे साथ साथ विद्यालय जा रहे थे। तो जब ये विद्यालय जा रहे थे तो पता है बादल गिरे हुए थे वो रास्ते में ही थे तो अचानक बड़ी तेज वर्षा होने लगी। वर्षा तो भीगने लगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। बारिश में तो छाता भी लेके जाना होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा छाता लेके जाते हैं। तो बच्चों जब वो विद्यालय जा रहे थे तो बड़ी तेज वर्षा होने लगी और बड़े वेग से वायु भी चलने लगी। वेग का मतलब होता है तेजी से। भैया तेजी से बारिश होती है। हाँ यानी पूरे वेग से पूरी तेजी से बारिश हो रही थी। तो वासे वर्षा वासे वायु शाबाश वासे वेग। बच्चों वर्षा इतनी तेज हुई कि उनको पेड़ों के एक झुरमुट के नीचे खड़ा होना पड़ा। भैया वो छाता लेके नहीं आए क्या? नहीं छाता भूल गए थे ना वो उनको अंदाजा नहीं था कि बारिश हो जाएगी। तो बच्चों वर्षा इतनी तेज हुई कि उनको पेड़ों के एक झुरमुट के नीचे खड़ा होना पड़ा। वृक्ष घने थे। वासे वृक्ष शाबाश। वृक्ष घने थे तो वर्षा की बूंदें नीचे तक नहीं आ रही थी। भैया जब बारिश आती है तब हम लोग पार्क में खेलते हैं और हम लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। हाँ, और भीगते ही नहीं है ना। बिल्कुल सही। तो बच्चों जब चारों वृक्ष के नीचे खड़े थे तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी
जाल बिछाए वहीं पास में खड़ा है। उन्होंने देखा उस जाल में चार पक्षी फंसे थे। बेचारे पक्षी। हाँ बेचारे पक्षी। भैया पक्षी को जाल में नहीं डालना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। चिड़िया तो बहुत प्यारी लगती है। हाँ बिल्कुल सही कहा नीरू ने, इसकी तरह प्यारी सी चूं। तो बेचारे पक्षी जाल में फंसे हुए थे और बारिश में भीग रहे थे। उसी समय उन चारों दोस्तों ने सोच लिया। भैया क्या सोचा? यही सोचा कि इस शिकारी को जरूर पकड़ेंगे, जरूर इसे अपने वश में करेंगे। हाँ भैया वासे वश, वासे वश, वासे वृक्ष, वासे वृक्ष, भैया वासे विद्यालय, वासे विद्यालय। वाह 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 क्या बात है। वासे वक्त, वासे वक्त। वाह क्या बात है भाई, महमूद ने कितना बढ़िया बताया। बजाओ जोरदार ताली महमूद के लिए, शाबाश। लेकिन बड़ी भारी और विकट समस्या ये थी बच्चों कि उस शिकारी को पकड़े तो कैसे, बड़ी विकट समस्या थी। भैया वासे विकट, वासे विकट, और तू आ जाओ मेरे निकट। विकट शाबाश। भैया और वासे विवाह, भैया वासे वर्ष, वासे वर्ष, भैया वासे वसुधा, वासे वसुधा, भैया वासे वादा, वासे वादा, वासे विवाह, वासे विवाह, शाबाश। भैया वाह वाह, वासे वाह वाह, अरे वाह वाह मेरे बच्चों, वाह वाह। या फिर चारों ने शिकारी को कैसे पकड़ा? अरे बच्चों चारों ने उसे रस्सी से पकड़ा। अब बताता हूँ रस्सी कैसे मिली उन्हें। वीना के बस्ते में एक रस्सी थी लट्टू वाली। भैया देखो मेरे पास लट्टू और रस्सी। अरे वाह 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 वाह, भैया हम स्कूल में साथ साथ खेलते हैं। अरे वाह क्या बात है। यूं लट्टू पे खींचते पहले, फिर ऐसे पेट पे उसके गोल गोल घुमा देते। हाँ पेट पे घुमा देते गोल गोल। हाँ जिस तरह तुम खेलते हो ना स्कूल में, तो ठीक इसी तरह वो लट्टू चलाया करते थे। और बिल्कुल ऐसी ही रस्सी थी वीना के पास। तो भाई वीना, विभोर, विजय और विकास चुपके चुपके कुछ बातें करने लगे। ए, ए, सुनो सुनो, मैं तुम समझा रहा हूँ। विकास सुनो, विभोर सुनो, अरे वीना तुम भी सुनो। हाँ हाँ सुन रहे। हाँ विजय, हाँ बताओ बताओ। एक साथ सब मिलकर धावा बोलेंगे। शिकारी ने तो सुन लिया होगा। अरे नहीं, वर्षा और वायु के शोर में शिकारी उनकी बात सुन ही नहीं पाया। व से वर्षा और व से वायु, वायु व से विभा। हाँ तो फिर बच्चों चारों एक साथ शिकारी पर कूद पड़े। अरे कौन है रे? शाबाश क्या बात कही भैया, जोरदार ताली सी बात पर। तो बच्चों फिर चारों एक साथ शिकारी पर टूट पड़े और विभोर ने जल्दी से शिकारी के हाथ पैर बांध दिए। फिर चारों ने शिकारी को वश में कर लिया और पक्षियों का जाल काट दिया। हाँ, और पक्षियों को आजाद कर दिया। हाँ, बिल्कुल पक्षी पेड़ पे चले गए। हाँ उड़ गए और अपने परिवार से मिल गए। नहीं पिछले हुए थे बहुत दिनों से, है ना, बेचारे बहुत दुखी थे, अब वो बहुत खुश हो गए थे। और पता है उसके बाद उन चारों दोस्तों ने शिकारी को पकड़ लिया और उसे गांव में ले आए। अब तो शिकारी विनती करने लगा और कहने लगा, अरे मुझे छोड़ दो छोड़ दो, अरे आगे से मैं पक्षी नहीं पकड़ूंगा, आगे से मैं पक्षी नहीं पकड़ूंगा। वहां से विनती। तो भाई उन्होंने फिर सब गांव वालों की मदद से उसे पकड़कर थानेदार को दे दिया। तो पता है थानेदार ने क्या कहा? भैया यही है वो शिकारी जो मासूम पक्षियों को बंद करता है। ठीक है इसे अभी बंद करता हूँ हवालात में, तब इसे मालूम चलेगा कि कैद में रहना कैसा होता है। भैया अब तो उसे जेल जाना पड़ेगा। हाँ थानेदार बोला, अच्छा तुझे बताता हूँ अभी, चल थाने। भाई जब थानेदार की डांट शिकारी ने सुनी तो शिकारी का तो व्यवहार ही एकदम बदल गया।
वो माफी मांगने लगा। भैया वासे व्यवहार, वासे व्यवहार, वासे वीरवार, वासे वीरवार। अरे वाह, भैया वासे वार, वासे वार। तो बच्चों, चारों उन बहादुर बच्चों ने बड़ी बहादुरी से उस शिकारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिर चारों बच्चों के स्कूल के जो हेडमास्टर साहब थे ना, उन्होंने कहा, साथियों, वीना, विजय, विभोर और विकास, ये हमारे स्कूल के लिए बहुत विशेष है। वासे विशेष। हाँ, वासे विशेष। उन्होंने कहा, साथियों, इनकी वीरता ने, इनकी बहादुरी ने हमारी इज्जत बढ़ाई है, शान बढ़ाई है। वासे वीरता। हाँ, इसलिए अब गांव के थानेदार जी इन बच्चों को वीरता पुरस्कार देंगे। बजाओ जोरदार तालियां बच्चों। वीना, विजय, विकास, विभोर निकले विद्यालय की ओर। वीना, विजय, विकास, विभोर निकले विद्यालय की ओर। वेग से वायु चली, वेग से वायु चली, और फिर शुरू हुई वर्षा घनघोर। बसे विद्यालय और वर्षा, वीना, विजय, विकास, विभोर। वीना, विजय, विभोर, विकास रुके एक झुरमुट के पास। अरे बारिश, अब क्या? चलो चलो उस झुरमुट पे छिप जाते हैं। हाँ, चलो चलो। देखा एक शिकारी जाल बिछाए वही छुपा है पास। देखो शिकारी। वसे वीना और विजय, वसे है विभोर विकास। देखा पक्षी फंसे थे चार, उसी वक्त तब किया विचार, वहीं शिकारी को पकड़ेंगे। बेचारों हो गए तैयार, बेचारों हो गए तैयार। वीरा, क्या कहती हो? हाँ, चलो शिकारी को पकड़ते हैं। बसे होता वे और वक्त, बसे होता वही विचार। विकट समस्या थी वो, कैसे वश में करें शिकारी। वीना के बस्ते में थी एक रस्सी लट्टू वाली। देखो विभोर, मेरे पास लट्टू और रस्सी है। वीना, ये रस्सी तो बड़े काम आ सकती है। अच्छा? हाँ बिल्कुल। बसे है वश वो विकट और बसे वीना वाली। वर्षा और वायु में शिकारी सुन ना पाया शोर, चारों को दे उस पर उसके बांधे हाथ विभोर। छोड़ दीजिए मुझे, ये मत बांधिए, छोड़ दीजिए। कहाँ जाएगा? बसे होता वर्षा वायु और बसे है विभोर। वश में शिकारी माने हार, विनती करे, बोल छोड़ दो, माफ कर दो भाई, अब नहीं करूंगा शिकार। बदला व्यवहार, बांध के उसको गांव में लाए, जेल में ले गया थानेदार। चल थाने, अभी बताता हूँ मैं तुझे। छोड़ दीजिए भाई, शिकार करता है। माफ कर दीजिए, अब कभी शिकार नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। बसे होता बशूर विनती, बसे होता है व्यवहार। विभोर विकास, विद्यालय के बच्चे हाँ, देगा गांव का थानेदार इन्हें वीरता का पुरस्कार। बस भी
वीरता का पुरस्कार, वस वीरता का पुरस्कार, वस वीरता का पुरस्कार। वसे वीरता। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा, नमन, निशांत, लवीश, सोफिया, चारू, नीरू, हरियक्ष, महमूद और रहमान, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर नेहा वत्स, संजय भटनागर, रक्षित थपलियाल, हरप्रीत कौर, शालिनी सिंह और अनुश्री, ध्वनिंकन बटीलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम, गीत आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।